नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन 24 पर। और SSC GD 2023 एग्ज़ाम को लेकर के एक बड़ी सूचना आई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने SSC GD का एग्ज़ाम 2023 में दिया था, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया था, फिजिकल की लिस्ट भी जारी हो गई थी, लेकिन अभी स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ था, जिसमें छात्रों के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो बढ़ने वाले थे, जिसके बाद से जिनका नाम फिजिकल में नहीं आया है उनका भी नाम फिजिकल में आ सके। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग SSC GD का एग्ज़ाम 2023 में दिए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हालांकि YouTube पर अभी बहुत से वीडियोस आ चुके हैं जिसमें स्कोर कार्ड जो बताया जा रहा है कि आ गया है, तो हम इसके वेबसाइट पर चलते हैं, वहीं पर बताते हैं क्या अपडेट है। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर 27 अप्रैल को नोटिस तो आया है और ये जस्ट अभी कुछ देर हुए हैं आया है। और इस नोटिस में क्या कहा गया, ये सबसे पहले तो देख लीजिए। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो है मल्टीटास्किंग यानी कि जो MTS का एग्ज़ाम है उसको लेकर के डेट इसमें बताया गया है। हालांकि SSC GD स्कोर कार्ड को लेकर अभी तक यहां पर कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिली है। तो अभी तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप लोग चाहते हो कि जैसे ही स्कोर कार्ड आए तो आपको सबसे पहले पता चले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD का जो स्कोर कार्ड है वो जल्द ही आने वाला है। हो सकता है आज 9 बजे तक आ जाए या कल आने की 100% उम्मीद बताई जा रही है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा, आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।